इंटरेस्ट रेट का इतना एग्रेसिव बढ़ जाना कैनेडियन इन्वेस्टमेंट मार्केट को लिटरली किल कर रहा है। इस वीडियो में मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो रन करूंगा जिससे आपको अंदाजा होगा कि किस तरह एग्रेसिव रेट हाइक्स आर लिटरली किलिंग हाउसिंग मार्केट। लेट्स डाइव इन। अगर हम फरवरी 2022 को मार्केट का पीक मान लेते हैं तो उस वक्त एक एवरेज 3-bedroom फ्री होल्ड टाउन हाउस GTA में 1.2 मिलियन तक का बिक रहा था। ठीक है, अगर एक एवरेज पर्सन इसको बाय करता है और वो 20% डाउन करता है और उस वक्त जो रेट ऑफर हो रहा था वेरिएबल रेट 1.4 के करीब था। ठीक है, अगर हम 25 ईयर्स की एमोर्टाइजेशन मान के चलते हैं तो मंथली पेमेंट तकरीबन पड़ रही थी $3,800 की। फास्ट फॉरवर्ड टू 2022 जुलाई, अब मार्केट में 15-20% करेक्शन आ गई है तो वही टाउन हाउस अब बिक रहा है $1 मिलियन का। आज के रेट के मुताबिक मॉर्गेज पेमेंट कितनी बनेगी देखते हैं। अब हम उसी प्रॉपर्टी को दोबारा रीअसेस करते हैं। $1 मिलियन की प्रॉपर्टी बिक रही है लेकिन रेट इस वक्त चले गया है 4.35% पे। सेम एमोर्टाइजेशन के ऊपर जो मंथली पेमेंट बन रही है वो है 4361 की। मैसिव 500+ अ मंथ डिफरेंस। और अगर हम एमोर्टाइजेशन को बढ़ा भी देते हैं 30 साल तक, तब भी जो मंथली पेमेंट बन रही है वो है 3964, यानी कि अभी भी वो $200 ज्यादा है जो हमें पहले 1.2 मिलियन पे ऑफर हो रही थी क्योंकि उस वक्त रेट था 1.4। इससे आपको क्या अंदाजा हुआ? इससे अंदाजा ये हुआ कि लोग मंथली पेमेंट बाय करते हैं, घर की कीमत पे इतना फोकस नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वो 1.3 का घर भी खरीद रहे हैं लेकिन उनकी मंथली पेमेंट जो है वो अफोर्डेबल रेट है, देन दे एक्चुअली गो फॉर इट। यही दो साल में हमने देखा है कि रेट इतने कम थे कि मंथली पेमेंट इजीली अफोर्डेबल थी तो लोग 50,000, 100,000, 150,000 ओवर आस्किंग जा रहे थे। दूसरी चीज है स्ट्रेस टेस्ट। अगर आप आज वेरिएबल मॉर्गेज लेते हैं जो कि पड़ती है 4.35% के ऊपर, तो आपका स्ट्रेस टेस्ट होगा 6.3% के ऊपर, क्योंकि रूल जो है वो है 2% प्लस योर कॉन्ट्रैक्ट रेट। और अगर आप फिक्स मॉर्गेज लेते हैं जिसका रेट ओवर 5% है तो आपका 7% पे स्ट्रेस टेस्ट होगा। सो इससे अंदाजा ये होता है कि जो GTA की हाउसिंग मार्केट है या जो ग्रेटर वैंकूवर की हाउसिंग मार्केट है वो इस रेट पे सस्टेन कर ही नहीं सकती। कितने लोग हैं जो इजीली $1 मिलियन के ऊपर की प्रॉपर्टी इस वक्त अफोर्ड कर सकते हैं जबकि रेट ज्यादा होने की वजह से जो मंथली पेमेंट बन रही है वो 4,300+ बन रही है पर मंथ, बहुत कम लोग होंगे। तो मेरा असेसमेंट ये है कि लोग अब जाएंगे सस्ते घरों की तरफ, यानी कि कॉन्डोज की तरफ। तो कॉन्डोज पे इस पर काफ़ी रश पड़ेगा क्योंकि कॉन्डोज अगर 6-7 लाख के दरमियान आपको मिल रहे हैं तो उस पे इजीली अफोर्डेबिलिटी बन सकती है, और एनीथिंग दैट इज अबव 1 मिलियन इज वेरी डिफिकल्ट टू क्वालिफाई फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन अफोर्ड मंथली पेमेंट। आप अपने कमेंट्स डाल के मुझे बताइए नीचे कि आपको क्या लगता है, अगर आप उनमें से फर्स्ट टाइम होम बायर हैं जो भी शॉपिंग अराउंड कर रहे हैं तो आपकी क्या असेसमेंट है। शेयर कीजिए अपने कमेंट्स ताकि लोगों को पता चले।